बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। और आज फूड स्ट्रीट पे आने की रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे रैंडम 5-6 किस्म के या 4 किस्म के फूड ट्राई करेंगे, मैं और तनवीर भाई। तो जो भी हमें बेस्ट फूड लगेगा हम आपको बताएंगे कि ये फूड अच्छा है, और जो अच्छा नहीं लगेगा तो वही बता देंगे कि अच्छा नहीं है। सही है ना, हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती ना, कुछ ख़राब भी होती है बीच में। तो चल के अभी हम लोग हैं गोल्डन स्पून पे, और यहाँ से हम लोग कुछ एक दो चीज़ें ऑर्डर करेंगे रैंडम, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे फूड स्ट्रीट पे वॉक करते हुए, और जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी हम वो खाते हुए अपने आप लोगों को रिव्यू देंगे। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। और ये जो बी बोटी है तो इसमें ज़्यादा बेहतर ही है। ये देखें वॉसिया गोल्डन स्पून, ठीक है। लाया हमें आप मिर्च और अदरक ले, और अभी हम लोगों ने ये देखें वॉसिया गोल्डन स्पून, ठीक है जी। एक सिल्वर स्पून भी है लेकिन ये गोल्डन स्पून है। ये ज़रा एरिया के अंदर इनमें क्या क्या मिलता है, चरखा मिलता है, कढ़ाई मिलती है, फास्ट फूड मिलता है, चाइनीज़ मिलता है, बारबेक्यू मिलता है, रोल पॉइंट, सही है नहीं। अभी हम लोगों ने ये एक शिमला ये जो है चिकन बोटी ये ऑर्डर की है, और हमने इसके अलावा बीफ बोटी ये ऑर्डर की है। ये भी ये कौन सी है तनवीर भाई, क्या खिला रहे हैं आप? नाम नहीं बताया। क्या लाए हैं हमें आप? मिर्च और अदरक ले, और हरा धनिया डाला भाई, देखें ऊपर तक कैसा रहेगा बंदे। ओए होए 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 होए, पानी आ गया कहाँ? मुंह में आ जाए। चलो कोई मसला नहीं भाई, बहुत अच्छा आला, बाबा भाई ने रिकमेंड किया था कि अच्छा भाई। ये हम लोग इस टाइम पे सबसे पहले मैं और तनवीर भाई जो है ना गोल्डन स्पून पे बैठे हुए हैं हुसैनाबाद, सही है। तो ये अभी आज हमारा 3-4 किस्म के फूड ट्राई करने का मूड है। सबसे पहले जो है हम यहाँ की जो शिमला मलाई बोटी है ये खा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बार भी क्यों खाए हैं लेकिन ये भी खाएँ, एक डिफरेंट टेस्ट। पैसे वसूल हैं, 300 कुछ रुपए की है, 300 रुपए के आसपास की है। अभी तुम्हें दो चीज़ें हमने ली हैं तो 600 कुछ की हमें मिली हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि ये 300 कुछ है क्या है। लेकिन जो चिकन खाते हैं तो तनवीर भाई ने ये पास किया कि बहुत कमाल है और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खा के। अभी ये अभी हमारी बीफ रोटी भी आ रही है, बन रही है, तो अभी हमको रिव्यू देते हैं। फिर जल्दी जल्दी हमने आप लोगों को 3-4 किस्म के यहाँ पे खाने जो हैं वो ट्राई कराने, लेकिन ये बारबेक्यू लाजमी ट्राई करिएगा। बीफ रोटी ये देखें जी, बीफ रोटी भी आ गई है, मैं बीफ रोटी भी आप लोगों को खा के दिखा देता हूँ। बीफ रोटी भाई अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, जो शिमला जो चिकन मलाई बोटी है ये और ये जो बी बोटी है तो इसमें ज़्यादा बेहतर ये है भाई। लेकिन ये भी बहुत अच्छी है, गरम मसाले इसमें हैं, हरी मतलब मिर्च वगैरह इतनी तेज़ नहीं है लेकिन गरम मसाला जो है तनवीर भाई ने बोला थोड़ा तेज़ है। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें खाने वाली है, लेकिन ये तो हाईली रिकमेंड वाली बात है। ये तो मतलब आप समझ लेना कि चिकन ने बीफ को बीट कर दिया। ये देखें ये क्या बात है आजकल ना, ये ज़बरदस्त नए नए आ रहे हैं जुमले। कभी हम चल रहे हैं और 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से और ट्राई कराते हुए फिर हम लोग घर निकलेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बार भाई। फिर पाकिस्तान कैसा चल रहा है? पाकिस्तान सही चल रहा है, अल्लाह का करम है। जेट स्की वाली वीडियो आ गई नहीं आई? जब तक ये वीडियो डलेगी आ चुकी होगी तब तक। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है। हाँ ये अच्छा, हुसैनाबाद हुकूमत ना बड़ी कदीम है कराची में, 4-5 फूड स्ट्रीट है, बंस रोड की है, इसी तरीके से ये दो मशहूर स्ट्रीट थी, अब तो बहुत सारी जगहों पे आ गई फूड स्ट्रीट, मगर जो पुरानी कदीम है वो बंस रोड और हुसैनाबाद है। तो हम बंस रोड तो काफ़ी बार जा चुके हैं। हम सेकंड स्ट्रीट क्या ट्राई कर रहे हैं? नंबर टू खाउसे है भाई। हाँ, और हुसैनाबाद मेमनों की जगह है, मेमन की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। मेहमान हो आप भी ना? हाँ भाई, ये भाई भी मेहमान है, तो बस इसलिए अब खाउसे खाना है इनके। बस खाउसे खिला रहे हैं। कौन सा खिला रहे हैं? खाउसा आपको जो अच्छा लगे, चिकन भी अच्छा होता है।
चिकन अच्छा होता है, बट जो तुम्हारा अच्छा है तो तुम समझते हो कि बेस्ट है। कितने का है चिकन खाउसर? 250 रुपए का रेट दोनों का एक ही। कोई छोटा नहीं है? कोई छोटा नहीं होता। ये है जी 250 रुपए पहला बाउल, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमसे खाया जाएगा कुछ। भाई ने ग्लव पहन लिए, फुल हाइजीनिक। ओह माय गॉड, ये देखें आप स्पेगेटी। अच्छा, इस पे आ गया चाट मसाला। चाट मसाला, वाह जी वाह। 12 मसाले चाट मसाला, चाट सही है। और आप चिकन खाएंगे भी? चिकन खिलाओ, चिकन चिकन खिलाओ। बीफ और बीफ दोनों होते हैं, 250 रुपए है ना जी। दोनों डाल दो, चिकन भी डाल दो, बीफ भी डाल दो, ताकि हमें पता चले। ये आ गया चिकन, सही है जी। ये चिकन डाल दिया, ये ऊपर डाल दिया थोड़ा बीफ, सही है जी। ये खौसा जो है शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? भाई ये तो गुजराती डिश है। अच्छा, मेहमानों ने कॉपी कर ली है इसको, फिर मेहमान तो काफी टाइम पहले से ही खा रहे हैं इसको। अच्छा, गुजराती डिश है, मेहमान ने कॉपी की है। अच्छा, ये सच बोल रहा है भाई? ये ईमानदार लड़का कैसे आया दुनिया में? कड़ी है ना आप लोगों की? कड़ी ऊपर से डलती है। ये आ गई कड़ी, छोला है, कड़ी है, कड़ी है, सिर्फ कड़ी होती है। ओके जी, ये हो गया। और ऐसा खिला दो कुछ मजा आ जाए। ये क्या, पापड़ी? जी चिप्स है, चिप्स है, चिप्स है। किस नाम से तुम्हारा? बंस रोड पे? बंस रोड नहीं है ये, हुसैनाबाद। सॉरी सॉरी सॉरी, हुसैनाबाद, हुसैनाबाद। मेहमान कड़ी खाउसा के नाम से। सही है। कब से कब तक खड़े होते हो भाई? शाम 6 से सुबह 6 तक। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक? सुबह 6 बजे तक। ये देखें, फजल में जा सकते हैं। ये देखें जी, ओहो हो। तो भाई ये खौसा हमने ले लिया, 250 रुपये का है, और अभी एक सिंगल लिया है चिकन। और इसमें नींबू वगैरह कॉम्बिनेशन है ऐसे? खाएंगे तो आपको चलेगा क्या चीज़? डाल दूँ फिर सारा? हाँ। अच्छा भाई, भाई कह रहे सारा ही डाल दो। ये ले, निचोड़ दिया इसको मैंने पाकिस्तान की आवाम की तरह। ये ले तनीर भाई, पाकिस्तान के साथ नींबू निचोड़े, सही है जी। ये ले, अब बोलेंगे नींबू नहीं होता, नींबू होता है। क्या होता है मुझे पता है सब, समझे ना। अब ये देखें खौसा, मैं ट्राई करके आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने एक दोराजी पे खाया था, वो भी अच्छा था, क्योंकि मैं गुजराती इतनी डिशेस खाता नहीं हूँ भाई, तो मेरा जो टेस्ट बर्ड है ना गुजराती डिशेस को लेके इतने होशियार हुए नहीं हुए अभी। लेकिन जो चिकन और जो 3-4 किस्म के जो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहे हैं ना, मसाला आ रहा है, चिकन आ रही है, ये पापड़ी आ रही है, नींबू का जायका आ रहा है, कड़ी का जायका आ रहा है, ये है मज़ेदार। कुछ दिमाग जो है ना इन मसालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 250 रुपये में यार मोर देन इनफ है ये आप लोगों के लिए। अभी आगे जा रहे हैं हम यहाँ से, और आगे हमने एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो क्यूब के उसमें है शक्ल में, वो आपको दिखाएंगे कि वो कैसे हैं। और ये खौसा मेरी तरफ से ओके है भैया ना। थैंक यू। 200 वाला ये बना रहे हैं भाई, उसमें क्या 200 में क्या क्या चेंज होता है? सारी टॉपिंग होगी, सारी टॉपिंग होगी। अच्छा, ये है टॉप, ये है पिंग, ये मैदे में चीनी निकल मिली थी वही है। वाह जी वाह। कितनी देर इसको करते हैं? 5 मिनट। ये देख रहे हैं आप, वाह जी वाह। भाई हम हुसैनाबाद पे अभी हमने बारबेक्यू ट्राई किया, उसके बाद हमने खौसा ट्राई किया। अब भाई नंबर 3 पे हम लोग आए हैं, द वफ़ल्स के नाम से है ये इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ भाई का, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ गौसिया आइसक्रीम के है ना बिल्कुल अपोजिट है हम लोग, ठीक है जी। ये आपको तनवीर भाई दिखाने लगे हैं अभी, ये देखें इनके बिल्कुल अपोजिट खड़े हुए हैं। और इनका आपको अगर मैं प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये रहा प्राइस चार्ट, सही है जी। वाफिल जो है 100 रुपये से शुरू हो रहे हैं, और स्पेशल जो है इनका 200 रुपये का है, जो हम लोगों ने बनाया है वो 200 रुपये का है। अभी आप लोगों को हम ट्राई कराते हैं, और ट्राई करा के बताते हैं कि आप लोगों को खाना चाहिए या नहीं। वाफिल्स, अरे क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है बस करते जाओ। वाफिल्स बेटा तैयार हो गया, स्कूल जाता है ये? ये जाता है। ये क्या चॉकलेट की पेंटिंग कर रहे हो? वाह यार वाह, कौन सी चॉकलेट है ये? न्यूटेला है। वाह 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 वाह, तुम खुद खाते हो शौक से?
इतना नहीं खाते कभी कभी, तो सिर्फ दूसरों को खिलाते हो। तो ये जो उसकी बेस बनती है ये किस चीज़ से बनती है? ये बैटर होता है मैदे का। अच्छा सही हो गया। आप क्या डाल रहे हैं उसके ऊपर? टॉपिंग होगी। टॉपिंग होगी, टॉपिंग कर दो इसके ऊपर। ये पहले क्या डालोगे? ओरियो की टॉपिंग। ये ओरियो की टॉपिंग है। ओरियो की टॉपिंग है, वाह वाह। उतनी ही टॉपिंग करना जितनी हम खा भी लें। डेरी मिल्क क्या है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क, डेरी मिल्क। अच्छा डेरी मिल्क है ये। अच्छा, डेरी मिल्क का पाउडर, वाह भाई वाह, नया लाया है मरगा मार्केट में। ये क्या है? किटकैट। तो इनके पाउडर बन जाते हैं? कैसे बनते हैं पाउडर यार, अभी तो पता नहीं था। ब्लेंडर में हो जाता है। बात कर रहे यार तुम, हार्ड करके बनाते हो उनको, पहले डीप फ्रीज करते हो? डीप फ्रीज करने के बाद ही होता होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। और ये चॉकलेट सिरप, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बंटी, बंटी कौन खाएगा? बंटी बेटा। और फिर से तड़का चॉकलेट का, 100 रुपए की तुमने बंडियाँ डाल दी हैं ऊपर। सबसे स्पेशल यही है ना, तो 200 रुपए का आएगी भाई, सबसे स्पेशल है ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो जी हो गया, रेडी हो गया भाई। ये विफल हमारा जो है स्पेशल, ये तैयार हो गया है। तनीर मैंने पहले ट्राई कर लिया है, अब मैं भी ट्राई करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग दो तो खाएंगे नहीं, लेकिन इसके ऊपर कितना इन्होंने मसाले डाल दिए हैं, मसाले से मतलब पाउडर वगैरह। मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा यार, मैं सोच रहा हूँ इतना अच्छा नहीं होगा। अंदर जो टेस्ट है ना मैदे वगैरह का, जो मिठास है वो तो है ही, लेकिन जो ऊपर चॉकलेट बंटीज और ये सब का जो है ना, एक डिफरेंट किस्म का एक एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन अच्छा है। 200 रुपये में आप खा सकते हैं, 100 रुपये वाला भी है, तो 100 रुपये अलग ही ऊपर ये सब कुछ नहीं होता, ओरियो होता है और चॉकलेट सिरप होता है। अच्छा वो भी आप खा सकते हैं, 100 रुपये वाला भी मोर देन इनफ है। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डला दें और खा लें तो भी अच्छा है, बेहतरीन है। तो ये नाम देख लें भाई, जब भी आएँ यहाँ पर बता दीजिएगा कि वीडियो देख कर आए थे, ताकि लड़के को पता चले क्या वीडियो देख कर आए थे। सही है जी, अब बाकी हम खा लेंगे और आगे चलते हैं। चॉकलेट जो फ्रेंच फ्राइज़ का एक जो डिफरेंट शेप आया है क्यूब की शेप में, वो उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ वीडियो एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई। अब वॉक करते हुए हम लोग जा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ का क्यूब खाने के लिए। फ्रंट कैमरा गंदा हो रहा है यार। अच्छा भाई ये आ गए हैं क्यूब, क्यूब फ्राइज़ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, क्यूब फ्राइज़ ये भाई बना रहे हैं। देखें जब आप आएंगे तो ये भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये भाई मिलेंगे, ये है वो शख्स। गौर से देखिए इस चेहरे को, साथ ये जो है एरिजोना ग्रिल है, इनके साथ ये खड़े हुए भाई। और इनके बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं जाऊँ तो वो बबल सोडा भी है सामने, वो रहा। सही है जी, ये ले लेते हैं बबल सोडा। बबल सोडा, बबल सोडा पी लें। हाँ बबल सोडा, क्या कहेंगे तनीर भाई? बबल सोडा, हाँ अभी बहुत खाया, थोड़ा आत्मा होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए। बबल सोडा तनीर भाई, बबल सोडा चलते हुए पी लेंगे बस, इसके बाद ये लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हुए जाते हैं, खत्म करते हुए जाते हैं। अब ये क्यूब्स बना रहे हैं, भाई का दावा है कि हमारे क्यूब फ्राइज जो हैं वो बेहतरीन है, ऐसा है? जी सर। ये देखें जी, ये है क्यूब्स की शक्ल में तैयार हो रहे हैं, ठीक है। जरा लोग ऊपर करके दिखाएं ये चीज़ मेरे अजीज। अच्छा जी ये क्यूब ये ना वो पकड़ नहीं रहा उसको ना, ये देखें। हाँ सही है भाई, ये क्यूब फ्राइज हैं, ये आ गए। सॉसेस वगैरह डली हुई है, तनीर भाई ने तो अपना रिव्यू दे दिया है, मैं भी दे दूँ। बहुत गर्म हो रहा है, हॉट हॉट, बहुत हॉट हो रहा है, वेरी हॉट, हॉट लाइक कराची पीपल, हॉट लाइक कराची पीपल। या तो ये आप देखें, वैसे वैसे रोजे करीब में वैसे ये लोग और गर्म हो जाएंगे, फिर रमजान आएंगे ना। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा रोजा है ये, रोजा अफ्तार कर लिया आपने? अफ्तार जब करेंगे अफ्तारी आएगी। फिर हमने यहाँ से लिमका भी ट्राई किया है, सही है, हमने कहा जाते हैं तो नहीं बोला। अच्छा ये मैं बताया तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, 120 रुपये के अंदर अच्छे हैं, ठीक है जी। तो ये हुसैनाबाद के अंदर ही है। और ये कौन सा जी? बबल सोडा, बबल सोडा भी हमने एंड में ट्राई कर रहे हैं, 60 रुपये का है। ओके देखिए, मैं नंबर 1 नहीं कहूँगा, कभी कराची का ऐसा नहीं बोलूँगा नंबर 1, लेकिन अच्छा है, 60 रुपये के अंदर ओके है। तो भाई अब हम जरा जल्दी है, घर से कॉल आ रही है बार बार, घर पहुँचना है।
हुसैनाबाद पे लगा हुआ रश, मैं कोई ऑल्टरनेट रूट ढूंढूंगा, मुझे पहले बलोचकुंड जाना है फिर वहाँ से आगे के और जाना है, तो वो नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और तनवीर भाई बहुत शुक्रिया वीडियो में साथ देने के लिए। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि अब मेरा प्लान है आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं आप लोगों को पूरे पूरे इलाके एक्सप्लोर करूंगा। महमूदाबाद की खास बिरयानियां खाने, नाजामाबाद के खास खाने, यहाँ के खास खाने पूरे पूरे कर देंगे एक साथ, 10-10 खाने एक साथ ट्राई करेंगे। सही है, मैदा फट जाए लेकिन खाएंगे। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।